आया है, जहां 23 अक्टूबर को चोरों ने फ्लैट में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। वहीं चोरी के इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब चोर ने इनके घर में चुराई ज्वेलरी में से कुछ सामान पीड़ितों को कुरियर के द्वारा वापस भेज दिया है। ये देखकर पुलिस समेत पीड़ित परिवार भी परेशान है, आखिर चोर ने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस भेजे गए कुरियर से चोर का पता लगाने में जुट गई है। मैं अभी बस मेरा खाली एक गोल्ड का सेट आया है, जबकि मेरे चार सेट थे गोल्ड के, उसमें बस दो तीन जोड़ी इयररिंग हैं और बस रिंग आई हैं और एक चेन आई है और एक कंठी माला आई है, वो सब पुलिस के पास है जो भी आया है सामान। कहाँ से आया है कुरियर? ये उस पे एड्रेस हापुड़ का दिया हुआ था। क्या वजह मानते हैं कि आपका सामान कुरियर के थ्रू वापस भेजा गया, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या वजह है, कि वो क्यों भेज रहा है, भेज रहा है तो वो क्यों भेज रहा है और लेके गया तो वापस क्यों कुरियर कर रहा है। वो कुरियर एक ज्वेलर्स के नाम से, राजदीप ज्वेलर्स हापुड़ के नाम से जो है इनके एड्रेस पे आया था, और जब उस ज्वेलर्स के एड्रेस को तस्दीक किया गया तो वहाँ पे इस नाम का कोई ज्वेलर नहीं मिला। पुलिस द्वारा इस संबंध में उस कुरियर को खोल करके देखा तो इन महिला द्वारा इनके संपत्ति जो उस दिन आभूषण इनके घर से चोरी हुए थे इनके द्वारा पहचाने गए, और इसमें उनके जो आभूषण चोरी गए थे दिनांक 27 तारीख की घटना में वो वापस आए हैं कुरियर के माध्यम से। फिलहाल पुलिस द्वारा इनके कुरियर के माध्यम से प्राप्त आभूषणों को महिला की पीड़ित महिला की सुपुर्दगी में दिया गया है, और इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस की मदद से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।